मुस्लिम बंधुओं का पावन पर्व रमजान के खास मौके पर पाम बीच मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से हर साल की भांति इस साल भी पाम बीच मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा भव्य तौर पर इफ्तार पार्टी का जोरदार आयोजन सानपड़ा स्थित वडार भवन में किया गया। इस खास मौके पर नवी मुंबई महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले, नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दशरथ भगत, शिवसेना नगर सेवक सोमनाथ वास्कर, कांग्रेस के युवा नेता निशांत भगत और विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान खुदा की इबादत में प्रार्थना कर सभी मुस्लिम भाइयों ने रोजा की रस्म अदा की और रोजा खोलकर अन्न ग्रहण किया। ये फरमाते हैं ताजदारे मदीना, ये फरमाते हैं ताजदारे मदीना, के रमजान है रहमतों का महीना, के रमजान है रहमतों का महीना। फरमाते हैं ताजदारे मदीना, ये फरमाते हैं ताजदारे मदीना, के रमजान है रहमतों का महीना, के रमजान है रहमतों का महीना। अपने भाषण में विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले ने तमाम मुस्लिम बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रमजान के पाक मौके पर खुदा की इबादत के साथ ही संपूर्ण देश समेत नवी मुंबई की सुख शांति बनाए रखने की भी लोग दुआ मांगे। मैं आप लोगों से यही एक दुआ करता हूँ कि जो आप एक महीने में जो रोजा पकड़ते हैं अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो एक दुआ ये भी मांगो, आप अपने लिए दुआ मांगते हैं, सिर्फ एक दुआ यही मांगो कि इस महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर, इस नई मुंबई के अंदर आने वाले सालों में खुशहाली बरकरार रहने चाहिए, ये दुआ आप अल्लाह से मांगो। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले ने कहा कि अगर सभी भाईचारे के साथ रहेंगे तो देश में दंगा फसाद जैसी हिंसक वारदातें नहीं होंगी। देखो, इफ्तार पार्टी किस लिए रखा जाता है? एक भाईचारा बनना चाहिए, इसलिए रखा जाता है। और लोग यही समझना चाहिए कि अपने अमन खुशहाली के लिए भाईचारा रख के चले गए तो हिंदुस्तान में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होंगे और भाईचारा से सब साथ में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV।